अध्यात्म विज्ञान, नई दृष्टि, नई खोज। देखिए, सुनिए और समझिए अध्यात्म विज्ञानी पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर जीवन को प्रकाशित करें। आखिर मैं शरीर हूँ वो रिलेटिव सत्य है? नहीं। शरीर के हर संजोग रिलेटिव सत्य है, शरीर के हर भुगतान रिलेटिव सत्य है, और वही तो हमको इफेक्ट करती है, क्योंकि हमारा जो विजन है वो भी रिलेटिव सत्य है। तो वो विजन को चेंज करना है। रिलेटिव सत्य उदय के रूप में वही का वही रहेगा, विजन चेंज करना है। आप समझे? इसमें दो बात होती है। एक विजन होता है उदय करना, जो कंपलसरी है, और दूसरा विजन होता है पुरुषार्थ, जो हमारा ऑप्शन है। अभी विजन का मतलब क्या है और उदय का मतलब क्या है, मैं स्थूल एग्जांपल दूं ताकि आपको सबको आसानी से समझ में आ जाए। कि भी जैसे एक व्यक्ति का नाम चंदूलाल है और एक का नाम है शांताबेन है, और दोनों को रोल दिया गया राम और सीता का। उन्होंने एक महीना प्रैक्टिस किया, रिहर्सल किया। आफ्टर वन मंथ वो स्टेज पे वो ड्रामा प्ले करते हैं, और जब प्ले करते हैं तो उनके दिमाग में उस समय बिकॉज ऑफ द ड्रामा, बिकॉज ऑफ दे हैव टू प्ले द ड्रामा, तो उनका विजन है कि मेरे को राम की तरह बोलना है, राम की तरह सोचना है, राम की तरह एक्सप्रेशन करना है, डायलॉग बोलना है, इस यूनिफॉर्म में रहना है। तो मगर ये पूरा ड्रामा है, उनको मालूम है कि मैं कौन हूँ, मैं राम नहीं हूँ। ड्रामा पूरा राम का करता है, और देखने वाले भी खुश हो जाते हैं उनके डायलॉग एक्सप्रेशन, उनका पहरवेश खुश हो जाते हैं, मगर उनको खुद को मालूम है कि मैं राम नहीं, मैं राम से मुक्त हूँ, राम से अलग हूँ, ये पूरे कैरेक्टर से मैं क्या हूँ, अलग। ये तो ड्रामा है। सेम थिंग ऐसा है, ये जो नामधारी का जो कैरेक्टर है वो तो ड्रामा है, मगर मैं नामधारी से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। ये मेरा कैरेक्टर नहीं है, ये मेरा रोल नहीं है, ये रोल बीच का फल के रूप में है। जो पिछले अवतार में मैंने वो रिहर्सल किया था वो अभी प्ले हो रहा है, मगर मैं वो नहीं हूँ, ये तो ड्रामा है। और ड्रामा का बिगिनिंग और एंड होता है, और ड्रामा का तीन स्टेज है, बचपन, युवानी और बुढ़ापा। तो ये ड्रामा तो फिर खत्म हो जाएगा, मगर मैं खत्म, क्योंकि मैं ड्रामा से मुक्त हूँ। तो एक ही व्यक्ति अपने जीवन में 100 बार ड्रामा कर सकते हैं, 1000 बार भी कर सकते हैं, ठीक है, 1000 बार ड्रामा कर सकते हैं, मगर व्यक्ति एक है क्या अनेक है? एक ही है। ऐसे एक ही आत्मा लाखों बार जन्म मरण ले सकते हैं, वो अलग अलग ड्रामा है, आप समझे ना, मगर वो शाश्वत है, और ड्रामा सब क्या है, क्या कर रहे हैं। तो ऐसा है, एक परमानेंट है, बाकी सब टेम्पररी है, मगर दोनों के अंदर डिवीजन रहना चाहिए अपने विजन में, कि टेम्पररी जो है वो मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं है, उसमें जो भुगतान होती है मारा मारी की या प्रेम की वो मेरी नहीं है, वो पार्ट ऑफ ड्रामा की है। भाई मैं राम बनाऊँ तो सीता मेरे को प्रेम करेगी, भाई मैं राम बनाऊँ तो रावण मेरे से गुस्सा करेंगे, तो ये पात्र का रोल है, ये मेरा रोल नहीं है, मैं तो उनसे क्या हूँ, अलग हूँ। तो ये हमारे विजन में होना चाहिए, आप समझे। तो इसीलिए यहाँ स्थूल एग्जांपल है, यहाँ वो सूक्ष्म लेना है, इसका ड्रामा है, रोल है, और हम ये रोल से क्या है, ये किसी का बच्चा भी हो सकता है, बाप भी हो सकता है, हस्बैंड भी हो सकता है, चाचा, कुछ भी हो सकता है ये, क्योंकि रोल उनका है, हम किसी के कुछ नहीं है, ये हो सकता है, नाटक उनका है, रोल उनका है, मेरा रोल नहीं है, शुद्धात्मा का रोल नहीं है, अवस्था का रोल होता है, परमानेंट का रोल नहीं होता है। तो ये दोनों अलग है, मगर जहां तक अवस्था की वैल्यू विजन में है और खुद की वैल्यू विजन में 100% नहीं है, वहां तक तो कॉज बनते रहेंगे, क्योंकि अवस्था की वैल्यू है ना, तो कॉज तो बनते रहेंगे। तो विजन में अवस्था की वैल्यू धीरे धीरे जीरो करो,
और खुद की वैल्यू बढ़ाओ। बस ये तो अपने आप जीरो होने वाला है, मगर आप जहां तक वैल्यू करोगे पुरुषार्थ के रूप में, वहां तक नई अवस्था कॉज के रूप में बनती रहेगी और जन्म मरण का चक्कर चालू रहेगा। तो ये बिल्कुल आपको समझ में आया ना? तो इसी प्रकार से हमको देखना है। तो ये रोल है इसका। जितनी क्लियरिटी होती जा रही है उतना का जो जो भी बैलेंस मिलेगा हुआ वो जमा जो इंडिविजुअल रखते हैं वो कैरी फॉरवर्ड होके नेक्स्ट वर्क में तो रहेगा ही रहेगा। ऑफ कोर्स माने जो सेपरेशन माने अक्रम विज्ञान से, अरे विज्ञान से जो डिमार्केशन रहेगा ऑफ कोर्स रहेगा। जैसे बोलते हैं कोई भी चीज, देखो मैंने क्या कहा कि नॉलेज के रूप में कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, एक्सपीरियंस के रूप में सार के रूप में कैरी फॉरवर्ड होगा, वो आपका डेवलपमेंट है। अनुभव का मतलब ये नहीं है कि आपने खुद ने फील किया है, अनुभव का मतलब है दुनिया में सब कुछ होता है उसमें से भी सार निकाल के आप सेट कर सकते हैं, बस वो आपका एक्सपीरियंस हो गया। एक्सपीरियंस का मतलब ये नहीं कि मनोचन का आपको खुद को भुगतान करनी पड़ेगी बाद में अनुभव का, नॉट नेसेसरी। सार निकालने का बहुत तरीका है, कैसे भी कहीं से भी किताब पढ़ के भी निकाल सकते हैं, जीवन जी के भी निकाल सकते हैं, दूसरे के जीवन को देखकर भी निकाल सकते हैं। सार निकालना वो रोल अलग है और मन वचन काया अलग अलग, तो ये भी एक माध्यम है, बाकी सब भी क्या है माध्यम ही तो है, और सार निकालने वाला हर माध्यम से क्या है अलग अलग है। तो इसीलिए ये मत समझो कि इसकी भुगतान होगी तो भी मैं सार निकाल सकता हूँ। इसीलिए मैंने तीन बात कही कि पिछले अवतार का डेवलपमेंट, वर्तमान संजोग और वर्तमान लाइफ का ज्ञान, ये तीनों सहायक है सार निकालने में, एक नहीं तीनों बातें, आप समझे ना? तो ये हर बातें अपने प्रिंसिपल में आ जाती है, मगर क्या है वो सिद्धांत जिस प्रकार से हमारे विजन में है तो आपके विजन में कन्वर्ट होने में समय लगता है, क्योंकि शब्दों का तो माध्यम तो शब्दों का ही है, और शब्दों जिस प्रकार से मेरे विजन से बाहर निकले हैं वही विजन से आपको समझ में आने में थोड़ा समय लगता है, मगर माध्यम तो यही है, बिना शब्द तो हम प्रेजेंट कैसे कर सकेंगे, मगर वो मर्यादा रहती है, हर समय रहती है, हर एक को रहती है शब्द में। तो इसीलिए तो कहते हैं शब्द ज्ञान थी निवेड़ो न थी, अनुभव ज्ञान थी शब्द ज्ञान एक माध्यम है टू प्रेजेंट योर एक्सपीरियंस, बट नॉट इक्वल टू वर्ड्स, इक्वल टू वर्ड्स नहीं है एक्सपीरियंस, मगर वर्ड से जितना एक्सप्लेन कर सकते हैं वो किया, वो इक्वल टू नहीं है, जितना मैंने शब्दों में बोला वही अनुभव नहीं है मेरा, मगर अनुभव को मैं शब्दों में व्यक्त करना चाहता हूँ। इसमें से भी आपको कितना समझ में आता है वो आपका इंडिविजुअल डेवलपमेंट है या ग्रास्पिंग है, आप समझे ना? तो इसीलिए वो अंतर बन जाता है, क्या बन जाता है, और इसीलिए ज्ञानी कहते हैं कि बाद में प्रैक्टिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। आप जब कुछ प्रैक्टिस करोगे तो आपको मालूम होगा कि वर्ड्स का मीनिंग क्या है, एक्चुअल वो प्रैक्टिस से मालूम होगा, अकेले शब्दों के मीनिंग से मालूम नहीं होगा, उसकी एक मर्यादा है। क्या है? कोई भी चीज को बताने के लिए शब्द तो एक माध्यम है और मर्यादा है। कोई माँ और बच्चे को कहेंगे, माता जी को, कि ये आपके बच्चे के को कितना प्यार है, तो वह कहेंगे मेरे बच्चे के लिए तो इतना प्यार है, चार पाँच सेंटेंस बोल देंगे, तो क्या है 5 सेंटेंस इज इक्वल टू लव है? तो लव तो 5 सेंटेंस नहीं है, मगर प्रेजेंट तो ऐसे ही करेंगे ना, तो उसमें कोई एक्सप्रेशन में तो मर्यादा रहेगी, और अनुभव अलग चीज है, हर बात में ऐसा होता है। तो मावी पे कोई एक्सप्रेशन करेंगे तो मर्यादा रहेगी, और इसीलिए हर अनुभवी ज्ञानी पुरुष का एक ही मत है, हर अनुभवी ज्ञानी का, जो प्रत्यक्ष चाहिए, क्या चाहिए, नहीं तो वो नहीं कहेंगे भी उन्होंने तो बताया है इसमें गलती क्या है, मगर ऐसा नहीं, वो प्रत्यक्ष की कीमत होती है, वो समय के आधार पर बोलता है, वो उस समय के लिए प्रत्यक्ष है, आप समझे ना? वो गलत नहीं थे, उस समय के लिए प्रत्यक्ष है, उस काल के लिए प्रत्यक्ष है, उस परिस्थिति के लिए प्रत्यक्ष है, और उस परिस्थिति में लोगों का लेवल जो था, लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, उसके लिए वो प्रत्यक्ष है। आज काल बदल गया, अवस्था बदल गई, लेवल बदल गया, और वही बात करेंगे तो उसको एडजस्ट नहीं, तो वो गलत नहीं है, वो उस अवस्था के लिए थे। आज हम जनरेशन गैप शब्द क्यों लाए,
जनरेशन गैप शब्द क्यों लाए? इट्स अ डिफरेंट ऑफ एज। तो एज का मतलब होता है 25 साल का डिफरेंस, वो भी बहुत डिफरेंस हो गया, एक दूसरे को समझ नहीं सकते हैं। तो ज्ञानी पुरुष की बात करेंगे 25 साल पहले की, 50 साल पहले की, आज क्या समझ में आएगी? तो वो गलत नहीं है, आज का प्रेजेंटेशन चाहिए, आज के लेवल के मुताबिक, आज की सिचुएशन के मुताबिक। विज्ञान तो वही रहेगा हर काल में, खाली प्रेजेंटेशन चेंज होता है, और प्रेजेंटेशन को प्रत्यक्ष बोलते हैं। साइंस नया होता नहीं है, सर्व काल के लिए एक है। प्रेजेंटेशन नया होता है तभी तो उसको फ्रेश फ्रेश भाषा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रेश इसको बोलते हैं जो समय के अधीन निकलते हैं। हमारी आज जो भाषा है वो 25 साल के बाद नहीं चलेगी, उस समय की भाषा चाहिए। विज्ञान वही रहेगा, प्रेजेंटेशन फ्रेश चाहिए। श्रीमद राजचंद्र जी थे, उस समय हम आजाद नहीं थे, गुलाम थे। दादा भगवान का भी जन्म हुआ, उस समय हम आजाद नहीं थे, गुलाम थे। तो उनकी परिस्थिति अलग, परिस्थिति के आधार से सोच अलग, सोच के आधार से प्रेजेंटेशन अलग, ये सब कुछ चेंज हो जाता है। आप समझे? ये तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, भी कितना आप समझ पाते हैं वो डिपेंड ऑन यू। हर परिस्थिति में आपकी भाषा एटीट्यूड अलग हो जाएगी, सोच सब अलग हो जाएगी। तो ये परिस्थिति के आधार पर है, और वो भी हमारी फ्रीडम नहीं है, वो भी सॉफ्टवेयर के आधार से है। जिस प्रकार से सॉफ्टवेयर बनाया है, इसी प्रकार के हार्डवेयर ने संजोग बनाया, और उसी प्रकार से हमारी बिहेवियर होती है, स्पीच थॉट एंड एक्शन, ये सब को रिलेटेड है। तो ऐसे आज की हमारी भाषा वो 50 साल 100 साल पहले की है, 100 साल पहले की है, उस समय के कोड पर हमने डाले हैं, और उसी प्रकार का कोड पर आज हार्डवेयर के रूप में निकल रहा है। तो वैसे भी तो जनरेशन गैप है ही, इसमें और करेंगे तो और कन्फ्यूजन हो जाएगा, और इसीलिए फ्रेश भाषा इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। आप समझे? और ये माने ये जो उघाड़ हुआ है विज्ञान से आपका द्वारा, वो तो कैरी फॉरवर्ड होएगा, नेक्स्ट वर्ड में भी वो काम तो लगेगा ही। ऑफ कोर्स जितना मैच्योरिटी से आप समझ गए ने, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जितना विज्ञान मैच्योरिटी समझने की कोशिश करो, ये स्थूल बात अलग अलग है, वो संयोग है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। इसमें ज्ञान दर्शन नहीं, ये मैकेनिकल प्रोसेस है, ये अच्छा करेगा बुरा करेगा ये सब रिलेटिव सत्य है और मैकेनिकल है, उसमें ज्ञान दर्शन नहीं है। ज्ञान दर्शन अपने विजन में है लाइव, ये तो मैकेनिकल है। क्या है? मैकेनिकल है। तो ये लाइव ज्ञान दर्शन में कितनी क्लैरिटी होती है, ज्ञान और दर्शन में, उसी प्रकार से आपका चारित्र बनेगा, और वो ज्ञान दर्शन चारित्र डेवलपमेंट के रूप में नेक्स्ट बर्थ में कैरी फॉरवर्ड होगा। शब्द शब्द कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है, नॉलेज के रूप में नहीं होता है, विजन के रूप में होता है, वो डेवलपमेंट है, जो बात को देख के समझ जाता है। अभी जो क्लियर हुआ है विजन, वो नेक्स्ट बर्थ में सहायता करेगा। हाँ, माने आगे जाने में जो भी हम भावना करते हैं, आपने सुना है वो नहीं आएगा, सुनने के बाद सेट किया है और अप्लाई किया है तो वो आएगा। सुनना भाषा, भाषा से सुनना, वो तो ज्ञानी पुरुष का अनुभव का प्रयोग है जो प्रेजेंट करते हैं, वो आपने सुना है शब्दों के माध्यम से, फिर आप जीवन में अप्लाई करोगे और अनुभव करेंगे, वो आपका बैलेंस रहेगा, वो कैरी फॉरवर्ड होगा। प्रश्न नंबर 1, दृष्टि जे मरे छे ए व्यवहार राशि में एक इंद्रिय थी मरे छे, એટલે દ્રષ્ટિ એટલે શું ખબર ના પડે? દ્રષ્ટિ એટલે જે આપણે જે સમજવાની દ્રષ્ટિ, અત્યારે જે વર્તમાનમાં આપણે જે દ્રષ્ટિ દ્વારા જે આપણે ઉપયોગ કરીએ છીએ, એટલે એમાં ખાલી દ્રષ્ટિ હોય છે, ઉપયોગ આપણે રાગદ્વેષની શરૂઆત જે છે સ્વામીજી, કે રાગદ્વેષની શરૂઆત એક ઇન્દ્રિયથી થાય છે ના? એટલે દ્રષ્ટિ જે મળે છે એ વ્યવહાર રાશિમાં એક ઇન્દ્રિયથી મળે છે, એટલે એક ઇન્દ્રિયમાં એક ઇન્દ્રિય કા જ્ઞાન ખુલા હોતા હે, फिर दो इंद्रिय होगी तो दो इंद्रिय का ज्ञान खुला होगा, फिर तीन इंद्रिय, फिर चार, फिर पांच, ऐसे पंचेंद्रिय का ज्ञान खुला होता है। वहाँ दृष्टि नहीं होती है, दृष्टि नहीं होती है, वहाँ संज्ञा होता है। हाँ, बस वही समझना है। आहार भय मैथुन निंद्रा, ये चार प्रकार की संज्ञा होती है। हाँ, बराबर। दृष्टि में संज्ञा होती है,
फिर जब बुद्धि आती है तो वो संज्ञा ब्रॉड बन जाती है। तो संज्ञा प्लस बुद्धि का मतलब होता है अभी डूअरशिप ओनरशिप हो गई, सोचने की क्षमता हो गई, प्राप्त करने की इच्छा हो गई। बुद्धि कहाँ से आती है बाबी जी? बुद्धि ये पांच इंद्रियों को पास करने के बाद मिलती है, यानी कि पांच इंद्रियों का जो अनुभव होता है उसके हिसाब से उस बुद्धि उसको गिना जाता है? नहीं, वो एग्जाम पास करने के बाद मिलती है। अच्छा, मनुष्य भव में आते हैं तो वहां तक ये पंचेंद्रिय का एग्जाम पास करना है। वो पास कर दिया बाद में पहले ही बर्थ में गिफ्ट के रूप में बुद्धि मिलती है। जैसे एक इंद्रिय में एक इंद्रिय मिल जाए मिलती है ना, दो इंद्रिय में दो इंद्रिय मिलती है, वो बट नेचर है। ऐसे बट नेचर मनुष्य में आएंगे तो सबसे पहले क्या मिलेगा? इंद्रिय प्लस बुद्धि। फिर बाद में विकास करना वो आपका पर्टिकुलर बात है, इंडिविजुअल बात है, मगर आपको बुद्धि मिलेगी। क्या यूज करना है, कैसा यूज करना है, वो व्यक्तिगत है। तो बुद्धि का मतलब एग्जैक्ट क्या होता है? बुद्धि का मतलब होता है रिलेटिव स्वार्थ को पक्का करना। नहीं, वो तो समझ गया, लेकिन वो बुद्धि एक प्रकाश है ना स्वामी जी? प्रकाशित तो है, ज्ञान प्रकाश ही है ना। तो प्रकाश ये इंद्रिय ज्ञान की प्रकाशित तो है, ये चक्षु में थोड़ा है कि ज्ञान है। ये चक्षु निकाल के टेबल पे रख दो, वो देखेगा, वो देखेगा। ये कान निकाल के रख दो, टेबल सुनेगा। तो माध्यम रहता है, ये मीडिया है, वो खुद का प्रकाश तो रहता ही है। तो प्रकाश है तभी तो उसमें इंद्रिय ज्ञान है प्लस बौद्धिक ज्ञान है। अगर प्रकाश नहीं है तो कुछ भी नहीं है। बराबर, सभी इंद्रिया है मगर प्रकाश नहीं है तो आत्मा नहीं है तो कुछ भी नहीं। तो मूल ज्ञान तो उसका ही है, मगर बुद्धि के माध्यम से, अहंकार के माध्यम से वो एक्ट करता है, बिहेव करता है। आप समझे, मूल तो उनका प्रकाश है। इनका प्रकाश नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इंद्रिय ज्ञान भी नहीं है, बौद्धिक ज्ञान भी नहीं है, और साइंटिफिक विजन भी नहीं है अगर आत्मा ही नहीं है तो। बराबर, तो आत्मा तो कंपलसरी हो गया। क्या हो गया? कंपलसरी। हाँ, फिर उसका रोल अलग अलग है। क्या है रोल के हिसाब से उसको बुद्धि गिना जाता है। हाँ, बराबर। ये लोग क्या करते हैं, वो टीवी देखते हैं तो अलग अलग प्रकार के बहुत सारे चैनल होते हैं और अलग अलग चैनल में अलग अलग प्रोग्राम आते हैं। तो बच्चे लोग प्रोग्राम देखते थे तो पिताजी ने देखा कि बच्चे लोग ऐसा प्रोग्राम देखते हैं, तो पिताजी ने टीवी फोड़ दिया। टीवी की क्या गलती है, चैनल वाले हैं, इतनी सारी चैनल है, अलग अलग चैनल में अलग अलग दिखाते हैं। तो चैनल वाले जो प्ले करते हैं वो अच्छा या बुरा हो सकता है, टीवी में तो वो तो इंस्ट्रूमेंट है। नहीं समझ में? इंस्ट्रूमेंट की गलती है नहीं उनका। क्या क्या है, कोई भी चैनल रखूंगे वो दिखाएगा, वो तो इंस्ट्रूमेंट है। जैसे ये क्या है, पांच इंच का इंस्ट्रूमेंट है, ये इंस्ट्रूमेंट है। हाँ। ये इंस्ट्रूमेंट में अलग अलग चैनल है। हाँ। फादर की चैनल, मदर की चैनल, वाइफ की चैनल, हस्बैंड की चैनल, भाई की चैनल, पेन की चैनल, तो ऐसे काम करती है। मगर लोग इसको टोकते हैं कि तुम खराब हो गए। अभी उनका क्या मतलब है, जैसा चैनल सेट करोगे इसको बिहेव करना पड़ेगा। ये उनकी गलती नहीं है। आप समझे कि नहीं समझे? वो दृष्टि भी बाद में आती है, बुद्धि के बाद में दृष्टि भी, वही शुरुआत दृष्टि की। मैंने आपने संज्ञा बोला स्वामी जी कि शुरुआत में संज्ञा होते, तो दृष्टि मनुष्य में आने के बाद दृष्टि खुलती है। मनुष्य में आने के बाद बुद्धि मिलती है। बुद्धि उनको दृष्टि बोला जाता है? दृष्टि तो एक इंद्रिय से खुली है, मगर वो लिमिटेड वर्जन है। क्या है? हाँ, उनकी रेडियस क्या है, बहुत लिमिटेड है। देखने की जो क्षमता है वो लिमिटेड है। हाँ, हाँ। जैसे जैसे पूरा मकान बंद है, उसमें से अगर एक होल कर दिया तो उतना रेडियस दिखेगा, यहाँ किया तो फिर वो भी और प्लस ये दिखेगा, यहाँ किया तो वो ऐसे होता है। ये तो स्थूल एग्जांपल है। अरे मैं वही, मुझे ये कंफ्यूज था कि दृष्टि है वो एक इंद्रिय से ही शुरू होती है ना, आपने बोला संज्ञा से, लेकिन वो लिमिटेड संज्ञा होती है इसलिए उसको संज्ञा बोला जाता है, बाकी दृष्टि तो शुरू से ही एक इंद्रिय से ही हो जाती है। वही वही होती है।